लखनऊ के गोमती नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से होटल मिलानो कैफे की को सीज कर दिया गया है। खंड दो में अवैध रूप से संचालित इस होटल में एक दिन पहले ही सोमवार को तेज आवाज में साउंड बजाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध के दौरान मेजर अभिजीत की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए LDA ने मंगलवार को होटल को सील कर दिया। फिलहाल गोमती नगर थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए होटल कर्मियों और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में होटल मैलिनो कैफ, आपको बताते चले विशाल खंड दो में ये होटल मैलिनो कैफ है जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आज ही सील किया गया। आप देख सकते हैं ये वो होटल मैलिनो कैफ है जिसको लेकर कल खबर चली थी कि जिस तरीके से रात में यहाँ पर तेज साउंड बजाया जा रहा था और सामने ही मेजर अभिजीत जो हैं उनका मकान था, उनका बच्चा बीमार था, उन्होंने कई बार अनुरोध किया कि साउंड को धीमा कर लिया जाए। लगभग 1:30 बजे तक की लगातार इस साउंड को धीमा करने का उनका अनुरोध रहा, लेकिन आपको बताते चले कि किसी तरीके से वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। मेजर अभिजीत ने लगातार प्रशासन से भी इस बात के अनुरोध किया, प्रशासन ने आकर इसको मना किया कि इसको कृपया जो है साउंड को धीमा कर लिया जाए, लेकिन आपको बताते चलें उसके बावजूद भी लगातार जो बात की जा रही है कि उन्होंने साउंड को धीमा नहीं किया, आखिर में पुलिस प्रशासन ने उसको धीमा कराया। उसके बाद जो लोग यहाँ पर थे, जो पार्टी मना रहे थे, वो लोग इतना गुस्सा में आ चुके थे, इस तरह आक्रोशित हो चुके थे कि जो मेजर अभिजीत की जो गाड़ी थी उस गाड़ी में जाके पहले राड और डंडों से उसको तोड़ा और बाद में उसको जला दिया। जब CCTV में उन्होंने धू 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 करके कार को जलते हुए देखा, उन लोगों ने बाहर आए और साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह से प्रशासन तुरंत पहुंचा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच कर आग बुझाती हुई नजर आई, उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लिया, प्रशासन ने संज्ञान लिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आज ये होटल मरीनो जो कि अवैध रूप से यहाँ पे चलाया जा रहा था, यहाँ पर रेजिडेंशियल था और उसमें ये अवैध रूप से यहाँ पर इस होटल को चलाया जाता था, आज उस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की और इसको सील कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और 2 अभी भी फरार हैं, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी करती और उन जो 2 अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए नजर आती है कि नहीं। हालांकि जिस तरीके से उन लोगों की मांग है परिवार की, जल्द से जल्द उनके साथ न्याय मिले और प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जत पाटी।